हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे ये आज का एपिसोड जिसमें मैं एक स्टोरी के बारे में आप सबको बताऊंगी। जो एक स्टोरी है वो एक है मिस्ट्री थेफ्ट के बारे में। जी यस, एक मिस्ट्री थेफ्ट जो कि अनसॉल्व रही है एंड FBI उसको सॉल्व नहीं कर पाई है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। ये एक गार्डनर म्यूज़ियम हाइस्ट है जो कि है 18 मार्च 1990 के बारे में। एंड इसमें जो दो थीव्स हैं उन्होंने एज अ पुलिस ऑफिसर एंटर्ड किया था इजबेला स्टुअर्ट म्यूज़ियम में जो कि बॉस्टन में है। उन्होंने गार्ड्स को टाई अप कर दिया था और उन्होंने स्टील की थी 13 पीसेज ऑफ आर्ट वैल्यूड जो कि थी ओवर $500 मिलियंस की। एंड उसमें जो स्टोलन पीसेस थे वो वर्क बाय थे रेनाउंड आर्टिस्ट जैसे कि वर्म एंड दिकस। एंड उसमें जॉनस वर्मर्स की एक नोटेबल पेंटिंग थी जिसका नाम था द कॉन्सर्ट, जो कि बहुत ही कंसिडर की जाती थी एज अ मोस्ट वैल्यूएबल स्टोलन आर्ट वर्क इन द वर्ल्ड। इसके अलावा एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करी गई FBI के द्वारा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, बट वो स्टोलन आर्टवर्क के बारे में किसी को कोई भी रिकवर नहीं कर पाया। एंड ओवर द ईयर्स पुलिस FBI को कोई लीड नहीं मिली तो उन्होंने कंटिन्यू करा इस इन्वेस्टिगेशन को और उन्होंने $10 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा जो भी उनको लीड बताएगा। बट ओवर द टाइम किसी को कोई लीड नहीं मिली और ये केस को शट डाउन करना पड़ा और ये केस अनसॉल्व रहा। तो देखिए, ये बहुत ही, अगर आप इस केस के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही डीप केस है जो कि लाइक बहुत ही मिस्टीरियस केस है जो कि अनसॉल्व है और कोई भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। तो आज का ये व्लॉग, हम व्लॉग नहीं कहेंगे बट आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गाइज, मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ ये। बाय गाइज़।